श्री रामाय नमः। ओम श्री पवन नंदनाय नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम जालपाय नमः। आज के हम अपने इस वीडियो में आपको खिलाई पिलाई विद्या को कैसे निकाला जाता है उस संबंध में जानकारी देने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप अपने अपनी खिलाई पिलाई विद्या जिनके पास समस्या है या किसी ने कुछ करवा दिया है तो संतरों का आप स्वयं ही काट कर पाएं, क्योंकि हर जगह मेरा जाना संभव है नहीं, इसलिए हमारा सिर्फ उपाय बताना ही उद्देश्य है। आप उपाय का श्रवण करते हुए उन विधियों पर अमल करते हुए आप अपनी तंत्र विद्याओं का काट कर सकते हैं। इस मंत्र से ये जरूरी नहीं है कि खिलाई पिलाई विद्या भर कटेगी, इससे आप अपनी दुकान का बंधन भी काट सकते हैं, व्यापार का बंधन भी काट सकते हैं, घर के बंधन को भी काट सकते हैं, कहा जाए तो किसी भी प्रकार के निकृष्ट बंधन को भी काट सकते हैं। क्योंकि जब घर में परिवार में या हमारे ऊपर या बिजनेस के ऊपर निकृष्ट बंधन हो जाता है तो उस समय हमारे जो उच्च इष्ट हैं जिनकी हम आराधना करते हैं उनका आवागमन बंद हो जाता है, उनमें से लक्ष्मी भी एक हैं जिनका आवागमन बंद हो जाता है, तो ऐसे में लोगों की जिंदगी बहुत कष्टमय गुजरने लगती है। तो हमेशा ऐसे उपायों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप स्वयं छोटे छोटे उपाय करके अपने बंधनों को काट सकते हैं, ये तो अलग बात हो गई कि ऐसा आप कर सकते हैं। मेन हमारा विषय जो है इस वीडियो का वो है कि आपको यदि किसी ने कुछ खिला दिया है या कोई बाधा करवा दी गई है, कोई तंत्र आपके ऊपर चलाया गया है, आपके घर में कीलन किया गया है, कोई वस्तु आपके घर में फेंक दी गई है जिससे आपका घर परेशान है, तो ऐसी विद्याओं का तोड़ इस मंत्र के जरिए हो जाता है। वैसे यह दो मंत्रों का संगम है, नारसिंह काट मंत्र से हम कह सकते हैं और हनुमान जी का विद्या काट मंत्र, दोनों मंत्रों का प्रयोग करके इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ऐसे प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए, जब हम आमने सामने किसी का तंत्र काटते हैं या किसी की खिलाई गई विद्या उसके शरीर से बाहर निकालते हैं तो दो से भी अधिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप स्वयं अपनी विद्या अपने बंधन को काटना चाहते हैं, अपनी खाई खिलाई गई विद्या को निकालना चाहते हैं तो आप जैसे बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारे मंत्रों को आपको सिद्धि भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय बिल्कुल नहीं लगता, तत्काल ही काम हो जाता है। इसीलिए हमने छांट के प्रबल मंत्रों का प्रयोग आपको दिखाने जा रहे हैं और उसकी विधि आपको बताने जा रहे हैं। छोटी सी विधि है, छोटी सी सिद्ध विधि है, छोटा सा प्रयोग है, आप कर सकते हैं। बस सावधानी ये रखनी है कि हमारे जो बुंदेलखंडी कुछ मंत्र होते हैं उनको पढ़ते समय, जपते समय, सुनते समय सवारियां आने लगती हैं, तो थोड़ा सा ये हमारे बुंदेलखंडी मंत्रों में एक ठो विकृति आप मान सकते हैं। तो जिनको सवारी आती हो ऐसे लोग इन मंत्रों को श्रवण करते समय या प्रयोग करते समय एक आध लोगों को अपने पास जरूर बिठा के रखा करें, या कोशिश करें कि जिसे आपको बाधा किसी ने खिला दी हो तो यह मंत्र दूसरे से पढ़ने के लिए बोलें तो अति उत्तम रहती है। क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर बाधा हो तो आप ही के ऊपर जब सवारी आ जाएगी तो फिर आप निदान कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ वाली बात हो जाती है, बाकी मंत्र में इतनी पावर होती है कि किसी भी प्रकार का तंत्र यदि आपको खिला दिया गया है, किसी भी प्रकार की विद्या आपके ऊपर चला दी गई है तो उसका काट हो जाता है। यहाँ तक कि वशीकरण, मरण, मुख उच्चाटन जैसे तंत्रों को इस मंत्र के जरिए वापस किया जा सकता है। हमारे वैसे हम 2004 से इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और हमें अच्छे से ध्यान है कि ये मंत्र कभी विफल नहीं हुए, लेकिन वो अपने शरीर की प्रकृति पे भी निर्भर करता है, क्योंकि हम दिन रात मंत्रों का जापन करते रहते हैं, भले ही एक बार ही करें तो मंत्रों में शक्ति बरकरार रहती है। तो मंत्र को प्रयोग करने से कम इसका 108 बार जापन जरूर करिएगा ताकि मंत्र में शक्ति आ जाए, और इसके बाद इसका 11 से 21 बार अपने समय के अनुसार आप शुद्ध घी का कंडे की आग में हवन कर सकते हैं, चाहे तो हवन सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बुंदेलखंडी जो मंत्र होते हैं उनको सिद्ध करने की विधि एक अलग टाइप की है, लेकिन जो जिंदगी भर इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहता है, दूसरों का भला करना चाहता है, ऐसे लोगों को इस मंत्र को पूर्णतया सिद्ध करना चाहिए। और जैसे एक दो बार आपको प्रयोग करना है, पांच बार प्रयोग करना है तो 108 आपने जाप कर लिया, 11 से 21 बार हवन कर दिया, इतना बहुत हो जाता है। आप 2-4-5 बार इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर यह काम करता है।
अब लॉन्ग लाइफ जिसको मंत्र सिद्ध करना है तो उसको पूर्ण विधि की आवश्यकता पड़ती है, तो पूर्ण विधि भी सुन लीजिए, क्योंकि कई लोग इच्छुक रहते हैं। पूर्ण विधि सिर्फ इसकी ये है कि इसकी 11 माला आपको ग्रहण काल में जाप करनी है या दीपावली की रात में जाप करनी है। नारसिंह जयंती के दिन भी इसका प्रयोग सिद्धिकरण किया जा सकता है, तो ग्रहण काल जल्दी मिल ही जाते हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र को पूर्णतया सिद्ध कर सकते हैं। 11 माला जाप करिए, 108 बार हवन कर दीजिए, भगवान का श्रृंगार वगैरह चढ़ा दीजिए, बस इतने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। कोई खास विधि नहीं रहती कि कोई खास सामग्री लगती है या कुछ अलग से लगता है, तो नहीं, सिर्फ इसका 108 बार जो है जाप करिए, 11-12 बार हवन कर दीजिए, 21 बार हवन कर दीजिए, काम हो जाता है। लेकिन जब विशेष सिद्धि करनी हो तो इसकी 11 माला जप करिए, 108 बार हवन करिए, तो यह लाइफ टाइम लगभग चलता रहता है। वैसे हमने इतना ही किया था, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार घाटा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मंत्र थोड़ा बहुत अपने आप में स्वयं सिद्धित मंत्र होते हैं, क्योंकि मंत्र में अपने आप में शक्ति नहीं हुई तो फिर मंत्र किस काम का, उनमें अपने आप ही शक्ति होती ही है, बस थोड़ा सा उनकी शक्ति को तेज करने की आवश्यकता होती है। तो आप थोड़ा बहुत जप करेंगे तो मंत्र में शक्ति आ जाती है। हनुमान जी का इसी में एक मंत्र शामिल हम कर रहे हैं, इस मंत्र का जरूर आपको 108 बार जाप करना चाहिए और 51 बार हवन करना चाहिए, और यह मंत्र आप मंगलवार के दिन सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, इतने में भी यह काम करने लगता है। और हनुमान जी का जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये दो मंत्रों का संगम है, हमने बताया नारसिंह भगवान का काट मंत्र है और हनुमान जी महाराज का भी काट मंत्र है, दोनों काट ही मंत्र हैं, विद्या छेदक मंत्र हैं। तो हनुमान जी महाराज के मंत्र के दिन नित्य आप 5 बार जपते हैं अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ या कभी भी जितना भी आपके समय है, यदि 40 दिन भी आप जप लेते हैं तो इस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी की भी तंत्र विद्या को काट सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंत्र इतने प्रबल होते हैं, कोई कोई मंत्र तो इतने प्रबल होते हैं कि तत्काल ही फल देने वाले होते हैं। उन्हीं मंत्रों की श्रृंखला में इस मंत्र की भी गिनती आती है, यह आपको मतलब पढ़ते के साथ कुछ ही सेकंडों में रिजल्ट दिखाना, असर दिखाना शुरू कर देता है, यह ऐसा मंत्र है। साधारण मंत्र डेली आपने सुना भी होगा, डेली आपने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं देखा भी होगा, लेकिन जब आप इसको 108 बार जप के सिद्ध कर लेंगे तो आपको यह है, उसके बाद जब प्रयोग करेंगे तो कुछ ही सेकंडों में इसका असर आपको नजर आने लगेगा। जैसे किसी को यदि कोई बाधा है, किसी ने कुछ उसको करवा दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया है, तो इस मंत्र को जैसे ही आप 5 बार पढ़ के उसके कान में फूंकेंगे तो समझ लीजिए उसके शरीर में तत्काल ही असर उसको नजर आएगा, रिलीफ उसको तत्काल ही मिल जाता है, क्योंकि विद्या का यह छेदन करने वाला मंत्र होता है। इसी प्रकार नारसिंह मंत्र है, यदि आपने इसका 108 बार जप कर लिया है, 11 बार हवन कर लिया है, इसको आप 1 से 5 बार यदि प्रेत बाधा युक्त वाले व्यक्ति को कान में फूंकते हैं और उसके पास वाकई प्रेत बाधा है तो उसके शरीर में उसके रोएं खड़े होने लगेंगे, शरीर में कपकपाहट छूटने लगेगी और बहुत सारे तरह तरह के लक्षण उभर के आते हैं और कई बार तो सवारी भी आ जाती है। इस नारसिंह मंत्र की ये खासियत हमने बताया, बुंदेलखंडी मंत्रों में थोड़ी सी विकृति होती है, उनको ज़्यादातर सुनने और पढ़ने से सवारी आने की संभावना रहती है, तो जिन लोगों को सवारियाँ आती हैं या भविष्य में कभी पहले मतलब पूर्व में यदि कभी आई हैं तो किसी के सामने ही इन मंत्रों का प्रयोग करें। विधि सिद्ध की समझ ही गए, छोटी सी आसान है, चलिए प्रयोग विधि समझ लेते हैं। मेन तो प्रयोग विधि होती है, प्रयोग विधि के लिए आपको जब किसी का तंत्र काटना हो, खिलाई पिलाई विद्या को काटना हो, तो आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसे नींबू, कम से कम 1-2 नींबू आप जरूर ले लीजिए, उड़द के दाने ले लीजिए, 1 कैंची काटने वाली कैंची पास में जरूर रखिए, और अरंडी आप जानते होंगे, अंडी का पेड़ होता है हमारे, आपके यहाँ अरंड भी कहते हैं, अरंड की डाल की आवश्यकता जरूर है, जो खोखली डालनी होती है उसका पत्ता एक डंठल, उस डंठल की जरूरत जरूर होती है। और इसके अलावा पेट में यदि खिलाई पिलाई विद्या है तो आपको तुलसी और गंगा जल का पानी जरूर पास में रखना चाहिए, मतलब इतनी 2-3 चीज़ें आपको पास में रखनी है। पूजन सामग्री इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे तो आप नारसिंह कवच भी बनवा के पास में रख सकते हैं पहले से तैयार, या बना सकते हैं, हमने पहले वीडियो डाल रखा है, देख के आप घर में बना सकते हैं। हमारी तंत्र विद्या में कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं होती, आप अपने घर में स्वयं ही प्रयोग करके छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बाधाओं का हरण कर सकते हैं। वीडियो और ये चैनल बनाने का मात्र हमारा यही उद्देश्य था, क्योंकि जो विद्याएं हैं वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं,
अब जैसे जिनने हमको सिखाया था या उनने जिनको सिखाया था वो चले गए, कुछ तो वहीं छूट गई, अब कुछ हमारे गुरुजी ने कुछ हमको बता दी, हम पूरी याद भी नहीं कर पाए, पूरा सिद्ध भी नहीं कर पाए, आधी विद्या यहाँ ख़त्म हो गई, मेरे बाद भी कुछ ख़त्म हो जाएगी, इसे घटते घटते धीरे धीरे विद्याएँ ये लुप्त हो जाती हैं। हमारे लोग हम लोग 8-9 लोग शिष्य थे, अब 8-9 लोगों शिष्य में से मात्र हम 3-4 लोग ही मंत्रों को याद कर पाए, कुछ मंत्र हम लोगों ने सिद्ध भी किए, अब बाकी मंत्र जो छूट गए हैं, जो दिमाग से उड़ गए हैं या उनका स्मरण हम नहीं करते, उपयोग में नहीं है, तो वो धीरे धीरे दिमाग से भूल जाते हैं और बाद में वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं क्योंकि हम किसी को बता नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरह तंत्र विद्याएं जो हैं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का और चैनल बनाने का सिर्फ यही मतलब था कि 100 लोग यदि वीडियो को देखेंगे उसमें से 1 लोग भी मंत्रों का स्मरण करेगा, लिखेगा, सिद्ध करेगा, तो वो किसी अगले तक मंत्र जरूर पहुंचा देगा, तो विद्या लुप्त होने से बच जाती हैं। बुरा न मानिएगा, थोड़ा सा आपने स्टोरी सुना दी, आपका समय बर्बाद कर दिया। चलिए कैसे प्रयोग करना है वो जान लेते हैं। सर्वप्रथम मंत्रों को आप विधि हमने बताई दी कैसे सिद्ध करना है, बहुत साधारण, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी ऐसे मंत्रों को सिद्ध कर सकता है क्योंकि जब तो करना है बैठ के, हवन करना है कोई भी कर सकता है। एक्स्ट्रा सामग्री जो 3 तूफान करते हैं लोग, वो सब चीज़ें इसमें नहीं होती, बुंदेलखंडी विद्या में थोड़ी थोड़ी सी सामग्री में काम हो जाता है, और वास्तविकता में तंत्र मंत्रों में इतनी ही सामग्री लगती है। अब जिसको ठगना है तो 10,000 की सामग्री जरूर मंगवा ले, 3 घंटे पुरुष आसन में बैठ ले दिखाने के लिए और 10-25 हज़ार रुपये ऐंठ ले, वो मैटर अलग हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि वास्तविकता में किसी मंत्र का जप है, जैसे हनुमान जी वाला जो मंत्र हमने बताया बताने वाले हैं, इसका जप करवा सकते हैं आप किसी और से, तो उसमें आप मजदूरी दे सकते हैं, ब्राह्मण की जो जी दक्षिणा है वो अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। बल्कि कोई फिक्स करके कहे कि हम आपके यहाँ इसका 1 लाख बार जप कर देंगे, हमको 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो सब ठगी वाली काम, ठगी वाली बात हो जाती है, ठीक है। तंत्र विद्याओं में ज़्यादा खर्च नहीं आता। हाँ, इसमें तपस्या और त्याग की ज़रूरत होती है, बस इसके अलावा और किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकता है। हर इंसान के अंदर मंत्र सिद्ध करने की क्षमता होती है, बस वो कोशिश करे तो उसके लिए मंत्र जरूर काम करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम हमें रोगी या जिसके भूत झाड़ना हो, जिसकी हमें खिलाई पिलाई गई विद्या निकालना हो, उसको सामने जरूर बिठाइए। बिठाने के बाद आपने सामग्री क्या क्या ले ली, नींबू ले ली, उड़द ले ली, कैंची ले ली और अरंड की जो डंठल है वो ले ली, तुलसी और गंगा जल का पानी 1 गिलास में भर के रख लिया। इसके बाद आप उस व्यक्ति के ऊपर पवित्रीकरण करें, जैसे पवित्रीकरण यदि उसे निकृष्ट बाधा है तो पवित्रीकरण वैसे ज़्यादा काम करता नहीं है, डायरेक्ट आप अपने धूप बत्ती अगरबत्ती दिया वगैरह जलाएं, भगवान नारसिंह का स्मरण करें, हनुमान जी का स्मरण करें, क्योंकि किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उस देव का स्मरण करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप वहीं आसन लगा के अपने हिसाब से थोड़ी बहुत जो पूजा आप जानते हैं उस हिसाब से मंत्र के देव की पूजा आप कर सकते हैं, थोड़ा एक आध नरियल प्रसाद वगैरह रख सकते हैं, दीपक चौमुख चौमुखा जरूर बना लीजिए। इसके बाद 1 गिलास पानी या 1 लोटा पानी पास में रखिए, वो तुलसी वाला पानी छोड़ के वो अलग ही रखना है, उसको अलग से एक पानी ले लीजिए और पानी को मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र हम नारसिंह जी का बताने वाले हैं, इस मंत्र को पढ़ते हुए सामने वाले रोगी के चेहरे पर 1 बार पानी मारिए, ठीक है। और 1 बार पानी मारने के बाद तत्काल आपको इसी मंत्र को, नारसिंह मंत्र को, नारसिंह काट मंत्र को उसके कान में कम से कम 11 बार जरूर बोलना है। हाँ, लेकिन इस बात के लिए तैयार रहना कि 5 से 6 बार इस मंत्र को यदि कान में आप यदि उसके ऊपर बाधा है बोलते हैं तो उसके ऊपर सवारी आने की संभावना रहती है। तो मंत्र रुकना नहीं है, आपको पकड़वा लेना है यदि सवारी आ जाए अच्छे कायदे से उसको, और कान में लगे लगे 11 बार मंत्र कम से कम बोल ही देना है, ठीक है। यदि वो बेकाबू हो रहा है तो पकड़वा लीजिए 1-2 लोगों से और बढ़िया 11 बार कम से कम मंत्र उसके कान में बोल दीजिए। 11 बार आपने नारसिंह काट मंत्र बोल दिया, उसके तत्काल बाद आपको हनुमान जी का मंत्र 21 बार उसके कान में बोलना है। सवारी है, चढ़ी है, चढ़ी रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 21 बार हनुमान जी का मंत्र भी आपको उसके कान में बोल देना है, ठीक है। वैसे हनुमान जी का ये मंत्र बोलते ही सवारियाँ सब गायब हो जाती हैं। इसके बाद आप उससे थोड़ा सा 2-3 कदम दूर बैठ जाइए, उड़द का दाना अपने दाहिने हाथ में पकड़िए, ठीक है, और उड़द के दाने
इसी मंत्र के जरिए जो नरसिंह मंत्र किसे कान में फूंक मारी है, इसी को पढ़ते हुए उसके ऊपर उड़द के दाने इस तरह फेंक के मारिए उसको, धीरे धीरे तेज ना मारिएगा, नाक कान में लग जाए, उसके शरीर में स्पर्श होना चाहिए दाना, इस तरह मारिए 7 बार उसके शरीर में दाने मारिए, ठीक है। इतने में उसकी बाधा वैसे सब शांत हो जाएंगी। अब कैंची उठाइए और इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके थोड़े से बाल काट लीजिए, और बाल काटने के बाद उनको थोड़ा सा अलग रख लीजिए, और थोड़ा सा नाखून काट लीजिए, चाहिए तो उसी कैंची से काट लीजिए या किसी और सामग्री से आप थोड़ा सा नाखून काट सकते हैं, उसको बाल और नाखून को अलग कर लीजिए। जो नींबू लाए थे ये बाल और नाखून उस नींबू के अंदर रख दीजिए, ठीक है। अब आपकी आधी क्रिया संपन्न हो गई। अब अरंड का जो डाल आप लाए थे, अरंड का डाल जो लाए थे वो आपको हाथ में लेना है, डंठल की तरफ से उसको थोड़ा सा काट लेना है, और जिससे उसका थोड़ा सा दूध वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसका रस वगैरह उससे बाहर निकलने लगे। अब जो हनुमान जी का मंत्र है इसको पढ़ते जाना है, और कैसे पढ़ना है इस मंत्र को पढ़िए, एक बार पढ़िए उसके माथे पर डंठल टच कीजिए, दोबारा पढ़िए कंधे पर टच कीजिए, इधर कंधे पर टच कीजिए, हृदय में टच कीजिए, पैरों के घुटनों में टच कीजिए, माथे के पीछे टच कीजिए, पीठ में 3 जगह टच कीजिए, इस कंधे पर और बीच सेंटर में, इस तरह आपको उसको टच करते जाना है और यह मंत्र बोलते जाना है। कितनी जगह हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 जगह आपको उस डंठल से ऐसे टच करते जाना है, और बस आपकी ये क्रिया संपन्न हो गई। इसके बाद जो तुलसी वाला आपने पानी रखा था, गंगा जल वाला, तो यही हनुमान जी वाला मंत्र आप 11 बार पढ़िए और उस पानी में आप फूंक मार दीजिए, फूंक मारने के बाद उस पानी को उस रोगी को पिला दीजिए, ठीक है। अब उसकी जो पेट की विद्या है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएगी, 72 घंटे लगते हैं उसको बाहर निकलने में, यदि आपने इसे 11 बार पढ़ के पिला दिया है तो 72 घंटे में निकल जाएगी। लेकिन टाइम लिख लीजिएगा, जितने समय आपने पिलाई है, जैसे आपने 11 बजे पिलाई तो उससे आप 72 घंटे फिर जोड़ लीजिएगा, और 72 घंटे बाद फिर एक लोटा ताम्र पात्र में जल लीजिएगा, उसमें एक कमल का जो बीज होता है उसमें डुबा दीजिएगा, और फिर इस मंत्र को 21 बार पढ़ के उसमें फूंक मारिएगा, और फिर वो जल उसके लिए रख दीजिएगा कि भाई 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम ऐसे 3 टाइम, और 2-4 दिन जब तक वो एक लोटा उसका जल चले तब तक वो पीता रहे। तो धीरे धीरे उसके शरीर में जो खिलाई पिलाई विद्या का विष होता है, एक विष ही माना जाता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, वो सब उसके शरीर से साफ हो जाता है और पूरा निकल जाता है बाहर। इसके बाद व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ तो ये आपकी क्रिया करते ही करते वो 90% स्वस्थ हो जाता है, लेकिन थोड़ी खिलाई पिलाई विद्या में क्या है कि भभूत वगैरह पढ़ के खिलाई जाती है, कई लोगों को नाखून पढ़ के खिला दिया जाता है, बाल का चूर्ण पाउडर बना के खिला दिया जाता है, कुछ औषधियों को भी पीस के मंत्र पढ़ के खिला दिया जाता है, तो वो हमारे शरीर के ब्लड में मिल जाती हैं वो सब चीज़ें, और लंबे समय तक बनी रहती हैं। जब तक हमारे शरीर में उसका थोड़ा सा भी अंश रहता है तब तक हमारा शरीर अस्वस्थ ही रहता है, कोई ना कोई समस्या होती रहती है। तो इस मंत्र के जरिए यदि तुलसी और गंगा जल उसको पिलाते हैं आप पानी में मिला के, तो समझ लीजिए कि धीरे धीरे उसका बस जो विष है शरीर के अंदर, जो तंत्र विद्या का विष है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। बस साधारण सी विधि थी, छोटी सी विधि सी, कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस मंत्र पढ़ते समय सवारी आती है इस तंत्र में, यही थोड़ा सा गड़बड़ है और कुछ नहीं है। तो उसके लिए आप 1-2 लोगों को पास में रख सकते हैं रोगी को संभालने के लिए। बाकी जैसे ही नरसिंह मंत्र पढ़ेंगे सवारी आ भी जाती है, बाद में आप हनुमान मंत्र से पढ़ के और फूंक मारेंगे तो सब सवारी उतने में खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप उसकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए नरसिंह कवच धारण करवा सकते हैं। नरसिंह कवच का वीडियो पहले हम बना चुके हैं, देख लीजिएगा। और किसी को नरसिंह कवच बनाया हुआ चाहिए तो हमने 1 लाख जप करवा के नरसिंह कवच बनवा के रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना पता दीजिए, कुरियर चार्ज बस ओनली लगेगा और हम आपको कवच भिजवा देंगे। हाँ, आपकी श्राद्धेय दक्षिणा है जो बालाजी सरकार के चरणों में, वो आप दे सकते हैं। बल्कि तंत्र मंत्र में किसी भी प्रकार का कोई धन नहीं लगता, क्योंकि तंत्र मंत्र विद्याएं परोपकार के लिए होती हैं, धन कमाने के लिए नहीं होती। तो यदि कोई धन मांग रहा है तंत्र मंत्र के जरिए तो समझ लेना चाहिए कि उसकी विद्या बेकार है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो के बारे में अच्छे समझ लिया होगा। चलिए अब मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, मेन बात तो मंत्र पे आती है। इन दोनों मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी मंत्र हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि मंत्र बोलने में और सुनने में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप
डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, हम जरूर लिखेंगे। और कभी कभी कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो कमेंट करिएगा, जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे तो हम आपको कमेंट रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई बार एक एक दिन हम कमेंट नहीं देख पाते, दूसरे तीसरे दिन देखते हैं, तो जब भी देखते हैं हम रिप्लाई ज़रूर कर देते हैं, हम सबके कमेंट देखते हैं, भले 50,000 कमेंट हमारे उसमें आ जाएँ, लेकिन हम धीरे धीरे सब समय के अनुसार देखते रहते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ है। सुबह उठने के बाद हमको 10 बज जाता है पूजा पाठ में, शाम को 8:30 बज जाता है पूजा पाठ में, तो उसके बाद फिर बीच का जो समय बचता है उसमें हम कमेंट देख लेते हैं, एक आध वीडियो बना देते हैं, और रात्रि में 10 बजे तक कमेंट वमेंट देख लेते हैं। रात में तो वीडियो नहीं बना पाते, दिन में एक ही वीडियो बन पाता है, किसी किसी दिन वो भी नहीं बन पाता। ठीक है, पहले सुनते हैं दार्शिक मंत्र, फिर हनुमान जी का मंत्र बताते हैं। वैसे यह मंत्र आपने पहले सुना होगा, लेकिन जो हमारे बुंदेलखंडी मंत्र होते हैं उनमें शब्दों में परिवर्तन करके उसके असर को बदला जाता है। ठीक है, ये एक विशेष विधि होती है, सिद्ध विधि, जिससे मंत्र के शब्दों को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, मंत्र वैसे है हमारे चैनल में कहीं ना कहीं, पहले हमने इसको डाल रखा है, लेकिन ये विधि है तो इसके अनुसार मंत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। ओम नारी टोर नारसिंह आओ मढ़ा टोर हनुमान, जहां भई महाकाल ज्ञान महाकाल ने चलाओ, गुरबान भूनिया के गुण काटो, मरण मूठ वशीकरण काटो, खिलाई पिलाई विद्या काटो, काटो तंत्र मंत्र माया, जल काटो जलवायु काटो, जंजाल काटो, काटो सम्मोहन छाया, 5,284 नारसिंह जातो, मारो बादिया करो बदनिया राण, 6 महीने को बालक मारो गर्भ देव गिराए, तब वीर नारसिंह कहाओ, तरे धरती ऊपर आसमान, श्री महाकाल को बाचा बांधो, पार ना पावे को मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर नारसिंह देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम नरसिंहाय नमः, ये नारसिंह जी का काट मंत्र है। अब हनुमान जी का मंत्र सुन लीजिए, वो बहुत जरूरी है हनुमान जी का मंत्र, क्योंकि ये पहले वाला मंत्र आप नहीं भी पढ़ते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हनुमान जी का ये मंत्र जरूर जाप करिएगा 108 बार, कम से कम 11 बार इसका हवन करिएगा मंगलवार के दिन, और इसको पढ़ने से तो चूकिएगा नहीं, और इसका पानी इसी मंत्र से पढ़को आपको पिलाना है। यदि आप नहीं तंत्र मंत्र कर पाते तो इसी मंत्र को पढ़ पढ़ के आप पानी पिलाते रहिए, धीरे धीरे सारी खिलाई पिलाई विद्या कट के बाहर निकल जाती है। ठीक है, कोई उपाय ना कीजिए, कोई विधि ना करिए, सिर्फ इस मंत्र से पानी पढ़िए डेली 41 दिन तक पिलाते रहिए। ये लंबा प्रोसीजर होता है, जब एक दिन में निकालना होता है तो सभी मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी का मंत्र श्रवण करिए। ओम हरि मरकटाय महामरकटाय पर यंत्रम भय पर मंत्रम भय पर तंत्रम भय पर विद्या छेदय छेदय ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम हरि मरकटाय महामरकटाय पर यंत्रम भय पर मंत्रम भय पर तंत्रम भय पर विद्या छेदय छेदय ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ओम हरि मरकटाय महामरकटाय पर यंत्रम भय पर मंत्रम भय पर तंत्रम भय पर विद्या छेदय छेदय ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। उम्मीद करते हैं दोनों मंत्र आपने अच्छे से श्रवण कर लिए होंगे और डिस्क्रिप्शन में देख ही लेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। विधि लगभग संपन्न हुई, प्रयोग करके अवश्य देखिएगा, ये विधि जो है 100% कारगर है, और कहीं कोई आपको शंका समझ में आती है कमेंट करिएगा, हम भरपूर उसका उपाय आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाधा बाधा में अंतर हो जाता है, यदि हिंदू बाधा है तो इसी कट जाती है, अदर प्रकार की जो कुछ बाधाएँ होती हैं तो इनमें एक मंत्र और सिर्फ जोड़ना पड़ेगा, विधि यही रहेगी। जो पानी पिलाने की जो विधि है उसमें एक मंत्र और प्लेस करना पड़ेगा, तो उस मंत्र के बारे में भी कोई जानना चाहता है तो हमें कमेंट अवश्य करेगा, तो हम उसको कमेंट में लिख के दे देंगे। कुछ नहीं करना, उस मंत्र को पढ़ना है और इसी मंत्र के पीछे जैसे ओम हरि मरकटाय महामरकटाय पर यंत्रम भय पर मंत्रम भय पर तंत्रम भय पर विद्या छेदय छेदय ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस तरह पढ़िए। उसके बाद उस मंत्र को भी डायरेक्ट पढ़ते जाइए 5 बार और पानी में फूंक मार के दे दीजिए, तो किसी भी समाज की, आप समझ रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी जात की, किसी भी समाज की, किसी भी प्रकार की निकृष्ट विद्या हो वह सब कट जाती है। समझ गए, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ठीक ठाक लगी होगी। कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और किसी को ऐसी बाधा है तो प्रयोग करिएगा, जरूर उसकी बाधा कट जाएगी, क्योंकि अधिकतर जो देखा गया है खिलाई पिलाई बाधाएँ होती ही होती हैं।
100 में से 20% लोगों को खिलाई पिलाई बाधाएं निकलती हैं। और खिलाई पिलाई बाधा क्या है, एक दो बार झाड़ा फूंक से नहीं निकलती, उसके लिए लंबे समय तक मंत्रों द्वारा, मंत्रोपचार के द्वारा पानी पिलाना पड़ता है। तो धीरे धीरे उस विद्या का जो असर है वह खत्म हो जाता है। अब कई लोगों के सवाल आते हैं कि हमको तो ताबीज खिला दिया, लोहे की ताबीज खिला दिया, तांबे की ताबीज खिला दिया, हमको समझ में आती है। ये सब गलत बात है, वो मन का एक ठो भ्रम है। लोहे की ताबीज कोई किसी को नहीं खिला सकता। हाँ, भभूत वगैरह हमने बताया, बाल पढ़ के, नाखून का पाउडर बना के, कुछ औषधियाँ होती हैं, सेही का कांटा पीस के उसका पाउडर बना के, ऐसी चीज़ों को पढ़ के और खिला दिया जाता है खिलाई पिलाई विद्या में, तो वह मरण मूठ की तरह ही काम करने लगती है। और जब मरण मूठ हम चलाते हैं तो उसमें कई ठोर रोक लग जाते हैं। यदि सामने वाले का इष्ट प्रबल हुआ तो मूठ वापस लौटाती है, मरण यंत्र वापस लौटाता है। लेकिन खिलाई पिलाई विद्या क्या है, आसानी से खिलाई जाती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में आप किसी को मिला के खिलाएंगे तो उसे आप स्वयं अपनी इच्छा से ग्रहण करेंगे, तो ऐसे में आपका इष्ट जो है वह काम नहीं करता कि भाई आप अपनी इच्छा से खा रहे हो तो हम क्यों रोकें। तो इसलिए खिलाई पिलाई विद्या जल्दी असर कर जाती। आपने कोई कवच भी यदि धारण किया हो, कोई आपको कोई विद्या खिला रहा है, तो विद्या आपके शरीर के अंदर जाके असर करेगी, क्योंकि कवच आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार चलता है। आप मन में सोचेंगे कोई चीज़ हमको नुकसान ना पहुंचाए तो आपका कवच उस समय कार्य करेगा, लेकिन आप अपनी स्वयं से ही विष, इच्छा से विष पियेंगे तो कवच फिर नहीं रोकेगा। भाई अपनी स्वयं से आप विष खा रहे हो तो अब कवच का दोष नहीं है उसमें। तो खिलाई पिलाई विद्याएं इस तरह कार्य कर जाती हैं, और ज़्यादातर खिलाई पिलाई विद्याएं कार्य करती हैं। उम्मीद करते हैं अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। कोई भी सवाल हो जरूर बता दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।